इसका फेवरेट टॉपिक क्या है? वही टिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों वाला, फैशन, मेकअप या फिर फैमिली गॉसिप्स। अब तुम ओवर एग्जैजरेट ना करो, अच्छा? मैं इतनी भी टिपिकल बातें नहीं करती। अच्छा जाओ अनायत के पास जाओ, उसको कहो शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, अच्छी सी डिशेस बना रहे हैं। जी भाई, मैं तुम लोगों से बच्चों की शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। क्या बात करनी थी बीजान? हमारे खानदान की ज्यादातर लड़कियां ब्याह कर दूसरे खानदानों में चली गई हैं। अब मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी खानदान में ही हो। बीजान, जब घर में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है तो हम बाहर क्यों देखेंगे? एक मिनट, अगर आप लोगों ने मुझे गांव इसलिए बुलवाया है कि मुझ पे शादी का दबाव डाल सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजान, मैं तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से कराची जाने वाला था, आपके इसरार पे आया। बेटा, हम लोग तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते। जानती हूं मैं कि तुम बेहद मसरूफ हो, लेकिन शादी भी तो एक मुकद्दस फरीजा है जिसे अदा करना ही है, और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। 32 साल के हो गए, तुम्हारी उम्र में मैं बेटी का बाप बन चुका था। चाचा जान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद से मुझको कंपेयर ना किया करें। आपने जिंदगी में सियासत के अलावा और किया ही क्या है? मुझे देखिए, बचपन से अब्बू की डेथ के बाद पूरा बिजनेस संभाला है, और देखिए मैंने इस बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप लोग जो इस घर में ऐशो अशीरत की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो मेरी दिन रात की मेहनत का फल है। एक मिनट, खानदानी बिजनेस संभालकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम। शादी की एक उम्र होती है, खुशियों का एक वक्त होता है, उन्हें वक्त पर ही हासिल करना चाहिए। बस तो यूं समझ लीजिए कि वो वक्त अभी आया नहीं। मैं ज्यादा इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ मेरा बिजनेस है। मैं अपने बिजनेस की कामयाबियों को 7वें आसमान पे ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूंगा। और अगर किसी ने शादी के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश भी की, तो बीजान, मैं गांव आना छोड़ दूंगा।